लापुंग प्रखंड कार्यालय के सभागार में सभी विभाग के पदाधिकारियों के साथ विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने किया समीक्षात्मक बैठक। विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने आज लापुंग प्रखंड सभागार में सभी विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक किया, जहां उन्होंने पिछले वर्ष की सूची मांगी, कितनी योजनाएं धरातल पर उतरी, कितनी योजनाओं का काम पूरा हुआ और कितनी योजनाएं पेंडिंग है, साथ ही वर्ष 2023-24 में कौन कौन सी योजना आने वाली है इसकी भी जानकारी ली। विधायक ने जनसेवक एवं BLW से कहा कि सभी कोई पंचायत घूमकर ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुने, उनकी समस्याओं का निदान करें। वहीं उन्होंने शिक्षा विभाग के पदाधिकारी को प्रखंड स्थित सरकारी स्कूल जहां पानी एवं शौचालय की कमी है उसकी सूची उपलब्ध कराने की बात कही। साथ ही कहा कि जिस स्कूल में शिक्षक की कमी है उसकी भी पूरी सूची उपलब्ध कराएं, ताकि विभाग को आवेदन लिखकर उनका निदान करा सकूं। साथ ही जर्जर हो चुकी स्कूल भवन की भी सूची मांगी। ग्रीन कार्ड के लाभुकों को राशन के संबंध में खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी से जानकारी लिया, जहां पदाधिकारी ने बताया कि अगले माह में ग्रीन कार्ड धारी लोगों को 5-5 kg राशन मिलेगा। वहीं विधायक ने अन्य विभाग के पदाधिकारियों से भी विभाग के संबंध में जानकारी ली। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, पार्टी प्रखंड अध्यक्ष, विधायक प्रतिनिधि, कार्यकर्ता एवं अन्य लोग उपस्थित थे। सोना न्यूज लापुंग से राज रोहित।